ताकि बाकी लोग भी इसको देख पाए। सवाल ये था कि एक सिनेरियो है, सिस्टम्स लिमिटेड ने या टेन पर्ल्स ने, एक नॉन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है कराची में, उन्होंने एक जॉब अनाउंस की है प्रोग्रामिंग की, और कुछ बच्चे DHS उफा के पढ़े हुए ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है ना, यू आर ग्रेजुएटेड एंड देर आर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी, फास्ट, प्रॉब्ली IBA, तो विल योर GPA विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, और यू नो हैविंग नॉलेज स्किल सेट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि मैं यहाँ रहूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ आता है यहाँ जी, ये सवाल है। सर, हैविंग नॉलेज इट विल गिव अस अ कॉन्फिडेंस, नॉट CGPA विल गिव अस कॉन्फिडेंस। चलिए हमने आपकी सुन ली, और कोई कुछ कहेगा या सिर्फ अक्षय बोलेंगे, और कोई, एनीबडी एल्स? बाकी लोग क्लास में हैं या अटेंडेंस लगाने के बाद, ये आई डोंट नो। चलिए खैर आगे चलते हैं। चलिए तो बात सारी यही है कि अगर नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। एक सवाल है कॉन्फिडेंस का, नॉर्मली आई आस्क, तो बताएगा कॉन्फिडेंस होती क्या चीज है? हाँ यस सर, बताइए क्या चीज होती है। फेस फेस यू नो एनी डिफिकल्टी फेस फेस हाँ बताइए बताइए, आई एम लिसनिंग। सर फेसिंग एवरी सिचुएशन लाइक समवन इन ट्रबल्स और नॉट। चलिए लिख लीजिए, हम किसी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, कॉन्फिडेंस होता क्या है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज ओके पे, सर, बस इसको यूं समझ लीजिए कि अपनी एबिलिटीज इतनी होती हैं जिस पे आप कहते हैं कि नहीं, मैं क्वालिफाई करूंगा, तो प्रॉब्ली दैट इज योर कॉन्फिडेंस ऑन योर एबिलिटीज, वरना आप क्वेश्चन करने लगते हैं अपनी एबिलिटीज को। मार्क्स तो आ गए हैं बट यू क्वेश्चन योर सेल्फ इनसाइड, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो यू क्वेश्चन योर एबिलिटीज, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको आता होगा तो यू डोंट क्वेश्चन योर एबिलिटीज। बात समझ में आ रही है? ठीक यस सर, है, हम इस पे वक्त ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पहचानिए एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर कॉन्फिडेंस। लेकिन आज हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे। चलिए, तो ये कोर्स की किताब है, लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, और एन समरविल की जो 10th एडिशन है ये आपको मिल जाएगी, और विल हैव क्विज़ेस, 3+1 का मतलब ये है कि आई विल टेक एडिशनल क्विज, बेस्ट ऑफ 3 काउंट हो जाएंगे। कोई अटेंडेंस नहीं है या मार्क्स खराब है आपके तो बेस्ट ऑफ 3 विल बी काउंटेड। इसी तरह से असाइनमेंट्स हैं, इसमें बेस्ट ऑफ 3 तो नहीं है, लेकिन इसमें जो आपके 3 असाइनमेंट्स आपके काउंट हो जाएंगे, तो यू शुड बी वेरी पार्टिसिपेटिव, यानी आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप पूछ लेंगे। तो नॉर्मली आई आस्क द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, नॉट वेरी लेंदी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। बाकी सवालात हैं मिड टर्म में या फाइनल में जो सिनेरियो बेस्ड है, यानी एक केस स्टडी दे दी जाएगी, जो कुछ पढ़ाया होगा उसको आपने इस्तेमाल करना होगा, तो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको सवाल करिए, पूछिए, ठीक है ना, ताकि सिचुएशन से आपको समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जब आने वाली ज़िंदगी में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है वो सिनेरियोज यहाँ डिस्कस करें और फिर हमारी समझ में आए। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ये कोर्सेज है उस बुक के, ये चैप्टर, अगर आप, मैंने वैसे आप ये स्लाइड अपलोड कर दिया, चैप्टर 1, 2, 3 सारे नहीं है, 5 के बाद 8 है, उसके बाद 22, 23, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम थोड़ा सा फ्लेवर पढ़ेंगे। ये 8वें सेमेस्टर में पूरा कोर्स है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो जो कोर्स है, रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, ये सारी डेप्थ में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। लेकिन यहाँ हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेस्टिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है।
तो हम जरा आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं। चलिए अब जरा समझते हैं कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप सेवन सेमेस्टर में हैं और आपको FYP करना है और एक वेबसाइट बनानी है छोटी सी, ये राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जिसमें आपके दो या तीन दोस्त हैं और कुछ पेजेस हैं और एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो 100-150 लोग बनाएंगे, 1000 लोग उसको यूज करेंगे, एंड दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स। लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है हॉस्पिटल का सिस्टम, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन है, अपॉइंटमेंट्स एंड शेड्यूल है, आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है, बिलिंग है। समझ लिया आप आगा खान में खड़े हैं और आगा खान में एक बहुत ज़बरदस्त ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट है, कंसल्टेंट मैनेजमेंट है। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, ये लेफ्ट वाला और राइट वाले में क्या चीज आपको आनी चाहिए, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, हाउ वुड यू स्टार्ट, क्या चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे किसको आइडिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हाँ, अब आपको मैंने भेज दिया हॉस्पिटल में या मैंने आपको भेज दिया है बहुत बड़े बैंक में, UBL में, HBL में, हाउ वुड यू स्टार्ट डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, जरा सोच के बताइएगा, एकदम से आंसर नहीं, जरा सोचिएगा। एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जिसमें 100-150 लोग बना रहे हैं, यू गॉट पीपल ऑफ 100 पीपल और 150 पीपल अबाउट ईयर और सो, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक दिन में नहीं बनेगी, 1.5-2 साल में 100 लोग काम कर रहे होंगे। तो हाउ वुड यू स्टार्ट, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो, थोड़ा कुछ सोच के बताएंगे। सवाल जहन में आएगा तो फिर हम उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। एनीबॉडी सोच के बताएगा सर को, मैंने आपको एक बैंक भेज दिया है, बात बताइए एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। 11:30 बजे खत्म होगी मेरी क्लास, ठीक। अच्छा, कुछ लोग आए हैं मुझे ले जाने के लिए, जनाब सोच के बताएगा कोई, एनीबॉडी? यस सर जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्रिएट एन आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और जो चीजें बनी हुई है और उसको हम कैसे वो अपडेट वगैरह करेंगे। चलिए और कोई, नहीं आपको नहीं पता होना चाहिए, कस्टमर बताएगा ना, बैंक का जो ऑपरेशन हेड है वो बताएगा ना क्या चाहिए, या जो हॉस्पिटल चला रहा है वो बताएगा ना, नहीं? ठीक है, चलिए अब जरा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को समझने के Ask staff what they want and how they operate. हाँ, आरिस बात सही है, इसको कहते हैं requirement engineering या business analysis. तो इसका मतलब है customer की requirement समझना होगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको अगर hospital system बना रहे हैं तो hospital का fairly good idea होना चाहिए, terminology पता होना चाहिए। Banking बना रहे हैं तो banking का idea होना चाहिए, वरना आप requirement कैसे लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो somebody has to take the requirement and document and approve, यही चाहिए ना। अगर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं बनाऊंगा कैसे। तो relatively उस hospital का in patient क्या होता है, out patient क्या होता है, billing क्या होती है, laboratory होती कैसे है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप बना नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. इसका मतलब है एक स्पेशलाइज्ड रोल है कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट, जिसको उसको डोमेन का पता होगा, वो रिक्वायरमेंट लेगा और डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। तो ये एक अलग रोल है, ठीक है। शायद वेबसाइट में या छोटे से FYP में इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तीन दोस्त हैं, कस्टमर से पूछ लिया और बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा नजर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन और इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता होंगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले जाता हूँ, इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं, जरा पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बैंकिंग का, ये 150 लोग हैं जो साल भर से ज्यादा काम करेंगे और ये वाले स्टेप्स हैं, पढ़िए फिर मैं इनको समझाता हूँ।
ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, ये नजर आ रहा है कहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, छोटी सी वेबसाइट बनाना है, राइट साइड पे देखिए, फ्यू मीटिंग कर ली, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी और उसको डिजाइन कर लिया, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ये है ना, आप वेबसाइट अगर बनानी है तो आप Drupal, Magento या WordPress में आप बना देंगे, और एक ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, एक इम्प्लीमेंटर होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 1.5 महीना 2 महीने में, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ना हो, लेकिन ज़रा लेफ्ट साइड पे चलते हैं और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बाकायदा, बिजनेस नीड, बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जब आप 7th semester में जाएंगे तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इसी तरह जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे स्कोप क्या चीज़ होती है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट SRS सॉफ्टवेयर, ये सारी टर्मिनोलॉजी है, मैंने लिखा इसलिए कि आपको जहन में सवाल आता है। रेड कलर से लिखा है सॉफ्टवेयर बी यूज बाय 500 पीपल, तो इसका मतलब है लोड बैलेंसिंग सही होनी चाहिए, इसका आर्किटेक्ट बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। अभी आर्किटेक्ट क्या चीज़ होती है, हमें तो पता चला कि रिक्वायरमेंट लो और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दो, तो सॉफ्टवेयर स्लो नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी, लूजली कपल्ड और हाईली कोहेसिव क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में हूँ और मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और एक साल तो वो सिस्टम सही चला, लेकिन दूसरे तीसरे साल वो बहुत स्लो हो गया, तो व्हाट वेंट रॉन्ग, एप्लीकेशन तो बिल्कुल सही है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब 500 लोग थे तो ठीक था, डेटाबेस छोटा था एक साल का तो सही था, लेकिन डेटाबेस 3 साल 3 ईयर्स हुआ और 1000 लोग हो गए बैंक में, तो परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो है, बैंक चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या होगा, व्हाट वेंट रॉन्ग, कोई सोच के बताएगा? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी कोई सोच के बताएगा कि एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है और प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, तो क्या पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट फ्रीज हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एक फाइनेंस का सिस्टम बनाना है, तो एनीबडी नोज डेबिट एंड क्रेडिट क्या चीज होती है? यस सर। ठीक है, तो डेबिट का अब बैलेंस शीट बनानी है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर बनेगा, तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में डोमेन की नॉलेज होना, डॉक्यूमेंट होना, उसके बाद आर्किटेक्ट बहुत अच्छा बनाना, उसके बाद आती है जो हमने डेटाबेस पढ़ी है और कोडिंग पढ़ी है, जो देख रहे हैं ना डेटाबेस डिजाइन एंड कोडिंग, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम है जो प्रोफेशनली, फिर ये काम एक अकेला आदमी नहीं कर रहा है, 100 लोग हैं तो किसको क्या काम देना है, वो कब वापस करेगा, इसकी मैनेजमेंट, कौन सी चीज़ हो जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं हो जानी चाहिए, बात समझ में आ रही है, टीम मैनेजमेंट जो आपने भी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर 1.5 साल अगर 100 लोगों के साथ काम हो रहा है तो लोगों से काम लेना, एक आदमी बीमार भी हो जाएगा, एक आदमी छोड़ के चला भी जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो हिलना नहीं चाहिए, सारा सिस्टम बनना चाहिए, बात समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें हमें डेटाबेस के अलावा और कोड के अलावा भी कुछ मालूम होना चाहिए, अगर 150 लोगों से काम कराना है 1.25 साल, तो रिक्वायरमेंट कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे कैसे, फिर सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग कैसे करेंगे, कस्टमर की साइट पे डिप्लॉय कैसे करेंगे, इस जहन में आ रही है सवाल? आप भाई सवाल आप जहन में आ रहे सर को बताएंगे, बात समझ में आ रही है? जी कोई सर को रिप्लाई करेगा, क्या चीज समझ में आई अभी तक? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो अब जहन में सवाल आ रहे हैं ना कि अगर एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है तो हमें कुछ पता होना चाहिए कि
अच्छी और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, ठीक है, और स्कोप को लॉक करना होगा. स्कोप को लॉक करने का मतलब यह है, अगर मैं आपसे बोलूं सॉफ्टवेयर क्योंकि इनटेंजिबल है, नजर नहीं आता है कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी एफर्ट एस्टिमेशन तो होगी ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की फॉर्म में बात करूं, आप कहेंगे किसी को 2 कमरे का मकान बनाना है तो उसकी एफर्ट्स कुछ और होगी, लेकिन आप कहते हैं 20 कमरे का महल बनाना है तो उसकी एफर्ट कुछ और होगी. दोनों का स्कोप अलग अलग है. सॉफ्टवेयर में क्योंकि नजर नहीं आता है, क्योंकि इनटेंजिबल है, उसी पे झगड़ा शुरू हो जाता है. मैं तो समझा था इसमें ये होगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आती है ना. आप कहते हैं एक स्क्रीन है जिसमें 4 फील्ड है और एक स्क्रीन है जिसमें 40 फील्ड है, तो कॉम्प्लेक्स हो गई ना स्क्रीन. तो स्कोप लॉक करना, फिर उस पर एग्रीमेंट लेना, फिर उसको डॉक्यूमेंट करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट को. बैंकिंग की एप्लीकेशन है और बैंकिंग की एप्लीकेशन में हम ब्रांच बैंकिंग बना रहे हैं, तो ब्रांच बैंकिंग में क्या क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे होती है, अभी सारी डोमेन की नॉलेज नहीं है तो कोड कैसे करेंगे आप, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना. तो इसका मतलब है डोमेन की नॉलेज, कस्टमर हैंडलिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन, तब जाके ओके. ये मुझे कह रहा है 10 मिनट रह गए, अगर हम 10 मिनट के बाद वो हो जाए तो लॉग इन कर लीजिएगा. ठीक है ओके सर. जी, अब आर्किटेक्ट क्या चीज होती है, डेटाबेस क्या चीज होती है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है ना, कि अगर आपने फेसबुक की एक एप्लीकेशन देखी है तो फेसबुक पे आप जो स्क्रीन देखते हैं, यानी कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, तस्वीर लिखते हैं, तो एक फ्रंट एंड है और वो कहीं जाके डेटाबेस में स्टोर कर देता है आपकी तस्वीर. तो ये एक डेटाबेस की डिजाइन है कि फ्रंट एंड स्क्रीन है और डेटाबेस में कैसे जाके स्टोर हो जाता. लेकिन उसका एक आर्किटेक्ट है, यानी आपके लैपटॉप पे और आपके मोबाइल के ऊपर आप कैसे डालते हैं और डेटाबेस कहाँ पड़ी हुई है और वो कनेक्टिविटी कैसे है और पूरी दुनिया से हजारों लोग डाल रहे हैं तो लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, एशिया के लोग कैसे अलग हो रहे हैं, यूरोप के लोग लोड बैलेंसिंग ना आर्किटेक्ट है, परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. फेसबुक जब शुरू में था तो सही था, अब क्योंकि दुनिया लॉग इन कर रही है तो उसको स्लो हो जाना चाहिए, उसका एक्सेस खराब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब जबरदस्त आर्किटेक्ट है, कहीं भी जहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, कहीं पे भी कनेक्टिविटी मिल रही है, तो एक जबरदस्त आर्किटेक्ट है, ठीक है ना. तो आर्किटेक्ट कुछ और होता है, डेटाबेस फ्रंट एंड बैक एंड की डिजाइन कुछ और होती है. फिर सॉफ्टवेयर कस्टमर को देने से पहले टेस्टिंग कर लेनी चाहिए. मसलन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने घर बना लिया, कमरे बना लिए और उसमें प्लम्बिंग भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो घर कंप्लीट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि बल्ब सही जल रहा है, कहीं से लाइट इलेक्ट्रिसिटी सही है, हर जगह कनेक्शन इज एवरीथिंग ओके, और पानी सब जगह आ रहा है, सारे नलके चल रहे हैं, सारे स्विच चल रहे हैं, गैस आ रही है, तो दिस इज टेस्टिंग. जो कुछ मैंने बनाया है बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर आई एम चेकिंग, ठीक है ना. तो जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की उस हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग. तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी होना चाहिए, कस्टमर को देने से पहले हम चेक कर लें बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द SRS, कि इसने ये कहा था, ये मॉड्यूल कहे थे और ये फीचर्स या फंक्शनैलिटी मांगी थी, ये है कि नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट केस लिखा जाएगा, उसका एक खास तरीका है. और जब टेस्ट पास हो जाएगा और रिलेटिवली क्वालिटी अच्छी होगी तो आप कहते हैं यार सही है, अब कस्टमर की साइट पे डिप्लॉय कर दो, इसको कस्टमर को दे दो. तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इसी तरह से लिखते हैं, वरना कस्टमर आपको क्वेश्चन मार्क करेगा, बैंक आपको दोबारा बिजनेस नहीं देगा अगर आप इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, उस तरह से बिहेव करेंगे जैसे आप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करते हैं. तो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहां आपका कंपटीशन 100 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस से है और बिजनेस मुश्किल से मिलता है, वहाँ आपको अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा, बहुत रिलायबल, अच्छा डिज़ाइन और रिलेटिवली गुड क्वालिटी देनी होगी रिलेटिवली गुड टाइमिंग के अंदर,
वरना कस्टमर आपको दोबारा बिजनेस नहीं देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, जो सर ने अभी बातें बताई हैं, बिजनेस नीड क्या होता है, स्कोप क्या होता है। अभी सवाल जहन में आने चाहिए, सर ये होती क्या चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें एक सेटिस्फाइड कस्टमर बैंक को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस सर। कोई चीज ऐसी है जो जहन में आ रही हो आप पूछना चाहें? एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो? अब ये सोचिए कि मैंने आप सारों को एक बड़े बैंक भेज दिया है और वहां सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम प्रोसेस सीखेंगे कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये क्या करना है। तभी जहन में सवाल आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? अब इस अगर ख्याल आ रहा है और हमें जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तलाश करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और मेच्योर प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंट रोल्स क्या हैं। जैसे एक ऑपरेशन करना है तो उसका ऑपरेशन का प्रोसेस क्या है, आपका यू नो ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, जो पेशेंट है उसको बेहोश कर देना चाहिए, फिर एक डॉक्टर होगा, फिर नर्सिस होंगी, ये होगा ये होगा, तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस हैं, ट्रेडिशनल है, वाटरफॉल है और एजाइल है। तो कब कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है और कौन सी जगह कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है, ये सब हम सीखेंगे। ये थ्योरी नहीं है। अब हमारे पास अगर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है तो हम ये सीखेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, टूल तो आना ही चाहिए, यानी अगर आपने कोई काम करना है तो आपको टूल तो आना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन टूल कहाँ चलाना है, टूल डेटाबेस कैसे डिजाइन करनी है, कोड कैसे करना है, ये सब आना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल, कोई एनीथिंग, कोई सवाल है? नहीं तो हम इसको ओपन करके दूसरी स्लाइड खोल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों है, तो मैं इसको बंद करके एक्चुअल कोर्स पे आ जाता हूँ। चलिए जरा अटेंडेंस ले लीजिए, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों की, मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर। जरा अटेंडेंस बोलते जाएंगे भाई। ठीक है, मोहम्मद अदील, प्रेजेंट। अब्दुल्ला अहमद खान, प्रेजेंट सर। मुकर्रम अहमद खान, मुकर्रम नजर नहीं आ रहे। अब्दुल असीफ खान, मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल हसीब खान, अच्छा अब्दुल हसीब खान प्रेजेंट है। चलिए, मोहम्मद इम्तियाज, अक्षय, हारिस, जी जी लगा दिया, हारिस मीर, हारिस मीर आपके अटेंडेंस लग गए, शाहिद मुस्तफा, मोहम्मद मुजम्मिल खान, सैयद अली शान, हैदर रिजवी, उमर शकील खान, अब्दुल वाजिद, सही अब्दुल वाजिद रजिस्टर हुए हैं, ये मेरे पिछले कोर्स में भी थे लेकिन ये आते नहीं है, आई डोंट नो। चलिए, तो एनीबडी जिसकी अटेंडेंस रह गई हो, एनीबडी? चलिए, तो मैं इसको अटेंडेंस को सेव कर रहा हूँ और वी आर शेयरिंग अनदर। चलिए, अभी तक कोई सवाल नहीं है, बात समझ में आ रही है, विच इज़ गुड। ठीक है, अब हम थोड़ी बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे, फिर हम 2:30 मिलेंगे। आई डोंट नो टाइम टेबल कैसे बनाया है, आपकी तीनों लेक्चर आज ही हैं और दोपहर में कैसे पढ़ेंगे आप लोग, बारह। चलिए,
हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, गॉट वन मिनट, उसके बाद फिर हम दोबारा से लॉग इन हो जाएंगे. तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अभी इंजीनियरिंग अप्रोच क्या चीज होती है और नॉन इंजीनियरिंग अप्रोच क्या चीज होती है, थोड़ा सा पढ़िए फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज होती है. ठीक है, तो जरा सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपको कहा जाए कि एक रूम बनाना है तो रूम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सीमेंट होगा, ब्रिक्स होंगी और आप दीवार खड़ी कर देंगे, दीवार. ठीक है ना, एक. लेकिन अगर आपको 15 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो बगैर प्लान के, बगैर आर्किटेक्ट के, बगैर डिसीशन के नहीं बन पाएगी. ठीक है ना, यानी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स.